महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों एक लखपति व्यक्ति था, जब वह मरने लगा तो उसने अपने लड़के को अपने पास बुलाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या तुम भी लखपति बनने की कामना रखते हो? लड़के ने एकदम उत्तर दिया, पिताजी हर कोई लखपति बनना चाहता है, यह तो मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है। पिता ने बच्चे को समझाते हुए कहा, तब मैं तुम्हें तीन बातें बताता हूँ, मैंने खुद इन तीन बातों पर अमल किया है और मेरा विश्वास है कि यदि तुम भी उन बातों को अपना लोगे तो तुम मेरे द्वारा अर्जित धन को और अधिक बढ़ाने में समर्थ हो सकोगे। लड़के ने उत्सुकता से पूछा, वे तीनों बातें कौन सी हैं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके आदेशों का पालन करूँगा। पिता ने बड़ी ही गंभीरता से कहा, बेटा पहली बात है छाया में काम पर जाना और छाया में ही लौटना, दूसरी बात है मीठा करके खाना और तीसरी बात है उधार देकर मांगना ना पड़े। पुत्र ने यकीन दिलाया कि ऐसा ही होगा। कुछ समय बाद पिता ने प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों के पश्चात जब उस लड़के को अपने पिता के क्रिया कर्म आदि से फुर्सत मिली तो उसने फैक्ट्री में जाने का निश्चय किया। फौरन ही उसे अपने पिता की पहली शिक्षा याद आ गई कि छाया में जाना और छाया में लौटना। अब वह सोचने लगा कि यह काम कैसे हो। सोच सोच कर उसने एक तरकीब निकाली और अपने घर से लेकर फैक्ट्री तक के पूरे रास्ते पर शामियाने लगवा दिए। इस प्रकार घर से फैक्ट्री तक छाया की व्यवस्था की गई। जब खाने का समय आया तो उसे पिता का दूसरा आदेश स्मरण ही आया ही कि मीठा करके खाना। उसने तुरंत जितने पदार्थ बने हुए थे सब में मीठा मिलवाने का आदेश दे दिया और साथ ही घर वालों को आगे के लिए चेतावनी दे दी कि आगे से मुझे जो कुछ भी खाने के लिए दिया जाए उसमें मीठे का प्रयोग अवश्य किया जाए। इस तरह वह लड़का मीठे का खूब इस्तेमाल करने लगा। जब कुछ व्यापारी लोग माल लेने के लिए पधारे तो उनमें से कुछ ने उधार माल सप्लाई करने के लिए निवेदन किया। उस नौजवान ने बड़ी खुशी से उधार देना स्वीकार कर लिया। साथ ही उसने उस रकम का कभी आगे से तकाजा भी नहीं किया। धीरे धीरे लोगों तक खबर पहुंची कि सेठ जी के सुपुत्र बहुत दयालु स्वभाव के हैं। उनसे कितना भी माल कोई उधार पर ले जाए वह उधार की रकम वापस नहीं मांगते। व्यापारी धड़ाधड़ उधार लेने लगे पर उधार वापस देने कोई ना आता। देखते देखते उस नौजवान का दिवाला पिटने लगा। उधर ज्यादा मीठा खाने से उसे शुगर की शिकायत हो गई। वह परेशान रहने लगा। अचानक उसके पिता के एक मित्र उसका हाल पूछने के लिए उसके घर पर पधारे। उनसे लड़के ने अपनी सारी व्यथा कथा कह सुनाई कि मैं तो अपने पिता का आदेश मानकर दिवाला ही निकलवा बैठा हूँ, साथ ही मुझे शुगर की शिकायत हो गई है। उस मित्र ने सारी बात को सुनने के पश्चात कहा, बेटा यह जो तेरी दुर्गत हुई इसमें तेरे पिता के आदेश का कोई कसूर नहीं। पिता ने कुछ और कहा था और तुमने उसका अर्थ कुछ और लिया था, यही बात तेरे पतन का कारण बनी। बेटा इस भूल के शिकार तुम ही नहीं हो बल्कि बहुत लोग यही गलती कर रहे हैं। वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ कुछ और है तथा अज्ञानी लोग अपनी मर्जी से उनका अर्थ कुछ और लगाते जा रहे हैं। खैर सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे पिता के कहने का भाव क्या था। पहली बात थी छाया में काम पर जाना और छाया में ही लौटना, मतलब यह कि तुम फैक्ट्री में धूप निकलने से पहले पहुँचो और शाम को धूप ढलने के बाद वापस लौटो। इस प्रकार जब तुम सुबह से शाम तक फैक्ट्री में काम करोगे तभी तुम्हें
व्यापार में सफलता मिल पाएगी। तुम्हारे पिता का दूसरा आदेश था मीठा करके खाना। इसका भाव यह कि मेहनत करने के बाद जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट हो जाना। भगवान से गिला शिकवा करने के बजाय सबर सुकर से जीवन व्यतीत करना। तीसरा आदेश था उधार देकर मांगना ना पड़े। इसका अर्थ यह कि उधार कुछ ऐसे ढंग से दिया जाए कि बाद में उधार लेने वाले के पीछे तुम्हें ना भागना पड़े। उधार देने से पहले कुछ ऐसे कागजात आदि लिखवा लिए जाएं या कोई कीमती चीज गिरवी रख ली जाए कि उधार लेने वाला खुद ब खुद उधार लौटाने के लिए तुम्हारे पास पहुँचे। पिता के आदेशों का सही अर्थ जानकर पुत्र बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पिता के मित्र का धन्यवाद किया और फिर पिता के आदेशों को असली रूप देने में जुट गया। देखते ही देखते उसका व्यापार फलने फूलने लगा। अक्सर हम महात्माओं द्वारा कही बातों के शाब्दिक अर्थों में ही उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन लाभ उनके पीछे निहित भावना को समझकर उनके अनुसार कर्म करने से ही होगा। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।